नारी लारी गिनती कोनी सुवर्ण छत्रपा, नारी लारी गिनती कोनी सुवर्ण छत्रपा, दूर देश का यात्री आवे मरने ना, दूर देश का यात्री आवे मरने ना, ओ बाबू बाबू ओ बाबू सबरा संकट काले रे, बाबू सबरा संकट काले रे, साला सर के माल में हनुमान विराजे रे, सबरा संकट काले रे, साला सर के माल में हनुमान विराजे रे। चैत सुदी पूनम को मेलो भीड़ लगे, चैत सुदी पूनम को मेलो भीड़ लगे, नर नारी थर दर्शन करवा आवे बारी बारी, ओ बाबू ओ बाबू ओ बाबू ओ बाबू तेरा पाव कलारे रे, हनुमान विराजे ओ बाबू बिना पार लगावे रे, साला सर के माल में हनुमान विराजे। मैं बोलूँगा कि हनुमान तो ये हनुमान जी का ही आशीर्वाद है, क्योंकि पराक्रम और बल जो है वो हनुमान जी की कृपा से मिलता है। एक बार जितने भी हनुमान जी के भक्त सच्चे मन से आए वो हाथ उठा ले, बाकी मेरा निवेदन नहीं, ताली बजाओ और बोल देना अति बलवाना। वीर हनुमान वीर हनुमान वीर हनुमान वीर हनुमान, ये जो बोल नहीं रहे ना खड़े है ना, रात को घोटा लेके आएंगे हनुमान जी, ध्यान रखना। और जिसके जिसके आए उसको पता है कि पीछे से फिर क्या हालत होती है, पुलिस वाले तो कम ठोकते हैं और जब हनुमान जी ठोकते हैं भाई साहब, वो तो कुंभकर्ण को पूछो, मेघनाथ को पूछो, तो हनुमान जी जिसके जिसके ठोकता है ठोकते हैं फिर उसकी तो बहुत हालत खराब हो जाती है। हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए हमको, आशीर्वाद चाहिए तो दोनों हाथों को उठाओ और बोल दो वीर हनुमाना मैं बोलता हूं, अति बलवाना आप बोल दो, उठाए हाथों को, वीर हनुमाना वीर हनुमाना वीर हनुमाना। जब तक सब लोग भी बोले मैं यही रुका रहूंगा, वीर हनुमान वीर हनुमान वीर हनुमान, राम नाम रसियो रे, राम नाम रसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, नाम रसियो रे, नाम रसियो रे, नाम
राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। दोनों हाथों को उठाकर एक बार जयघोष कर दीजिएगा। बोलिए अंधेरे बाग हनुमान जी महाराज की। अब जिस निमित्त में आया हूं, लेकिन ताली बजाओ, क्या बात है पहलवान। बस मेरा ये था कि पसीना निकल जाए, और भाई का भी यही था कि पसीना निकल जाए। ऐसे बदन की, ऐसी ताकत की, ऐसी कसरत की इन दिनों में बहुत ज्यादा जरूरत है। बुद्धिजीवी लोगों के बीच में खड़ा होकर क्या कह रहा हूं कि अगर ऐसा बदन आपके बेटे का बन गया, एक प्रार्थना करना, एक तमन्ना करना कि या तो अगली बार आपकी कोख से प्रकाश माली जैसा भजन गायक कलाकार पैदा हो, या फिर गो ऋषि गो माता की सेवा करने वाला ऐसा नौजवान पैदा हो, जब कभी आपकी बेटी के आंचल को कोई पकड़े तो वो आपका बेटा उसका हाथ उखाड़ करके अपने घर ले जाए। जय गौ माता की। आपने इस कार्यक्रम को नाम दिया एक श्याम गौ माता के नाम। अन्न नहीं खाया, लेकिन गौ माता ने ऐसी ताकत पैदा कर दी कि बदन की एक एक नस को बाहर निकाल करके दे दी कि बेटा तूने अगर मेरा दूध पिया है तो तेरे बदन को मैं जमाने को दिखाने के लिए पेश करती हूँ। आइए पहलवान साहब, जैसी कार्यक्रम साहब, आपकी मौजूदगी में देश पर मिटने वालों के लिए, सनातन मिटने पर मिटने वालों के लिए, नौजवानों के इस भरे पूरे मंच पर, हाड़ौती के इस मंच पर चार लाइनें पेश करना चाहूंगा। जो ये सोचते हैं वो मैं सोचता हूं, आप भी कल से सोचना शुरू कर दीजिएगा कि गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं, गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं, माँ भारती की आरती उतार रहा हूं मैं, और सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं चाहे ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड में हम सुन ले, और वाह 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 पहलवान, देसी टार्जन, इतनी इतनी उठक बैठक मैं कर लूं तो मैं तो बटी मर जाऊं। बटू सीधे क्या हुआ, अंतिम यात्रा ओम जी की मंच के पास से निकलेगी। आज भी ताबे में हो ना, और प्रकाश बाबू जब तक आ रहे तब तक मैं आपका मन हरा भरा कर दूं। बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।